तो दोस्तों, आप लोगों में से ज्यादातर प्लेयर CS रैंक गेम रैंडम प्लेयर के साथ खेलते ही खेलते होंगे, और आपको ये भी पता होगा कि आप जो फ्रेंड के साथ गेम प्ले करते हैं उससे फुल्ली डिफरेंस हो जाता है रैंडम प्लेयर के साथ गेम प्ले करना, क्योंकि आपके फ्रेंड के साथ आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन जब रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हैं तो रैंडम प्लेयर का क्या ही कहना। जब आप रस कीजिएगा तो रैंडम प्लेयर होल्ड करेंगे, जब आप होल्ड कीजिएगा तो रैंडम प्लेयर रस करेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि आपके स्क्वाड के साथ गेम प्ले करने से फुल्ली डिफरेंट हो जाता है रैंडम प्लेयर के साथ गेम प्ले करना। तो इसीलिए जो आप रेगुलर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ अपने स्क्वाड के साथ खेलते हैं उससे आपको डिफरेंट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ रैंडम प्लेयर के साथ खेलना होगा। तो इसलिए मैंने रैंडम प्लेयर की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसका की यूज करके अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलिएगा तो आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए भी ज्यादा से ज्यादा मैच को बुइए कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और रैंडम प्लेयर के साथ खेलने के लिए एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर सेलेक्ट करना होगा। तो अभी फ्री फायर गेम में टोटल 18 एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, 18 है, सारे अच्छे एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, सारे एक्टिव स्किल कैरेक्टर की एबिलिटी अच्छी है, लेकिन रैंडम प्लेयर के साथ खेलने के लिए जो बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर है वो 3 है। वो 3 में से अब देखिए, पहला हो गया तत्सुया कैरेक्टर, दूसरा हो गया ओरियन कैरेक्टर और एक हो गया वुकोंग कैरेक्टर। ये तीनों जो कैरेक्टर है, मतलब तत्सुया, ओरियन और वुकोंग, जो है ना, रैंडम प्लेयर के साथ गेम प्ले करने के लिए एकदम परफेक्ट कैरेक्टर है, ठीक ना। तो आप इन तीनों एक्टिव स्किल कैरेक्टर में से कोई एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर लेकर के मतलब रैंडम प्लेयर के साथ गेम प्ले कर सकते हैं। तत्सुया हो गया, ओरियन हो गया और वुकोंग हो गया। यहां पर मेरी बात करें तो मैं हमेशा जो है ना तत्सुया कैरेक्टर से ही गेम प्ले करता हूं, चाहे रैंडम प्लेयर के साथ हो कि फ्रेंड के साथ हो, हमेशा तत्सुया कैरेक्टर से गेम प्ले करता हूं, क्योंकि तत्सुया कैरेक्टर के ऊपर मेरा अच्छा पकड़ है, मैं अच्छा स्पीड बूस्ट का यूज करता हूं। आप यही देख लीजिए, एक स्पीड बूस्ट से एक बंदा मारा, दूसरा स्पीड बूस्ट यूज करके दूसरा बंदा डाउन कर दिया, दोनों को मैंने डाउन कर दिया। और यहां पर मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा हूं, ये बात ध्यान रखने वाली है, और रैंडम प्लेयर के साथ ही मैंने बोला है कि आपको तत्सुया, वुकोंग या ओरियन यूज करना है। नहीं तो आप अगर फ्रेंड के साथ खेलते हैं तो वहां पर क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन की बात हो जाता है, वहां पर आप लोग दिमित्री का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके स्क्वाड में कोई एक बंदा दिमित्री यूज करता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि रैंडम प्लेयर में सब अलग थलग रहता है, तो वहां दिमित्री भी ज्यादा काम नहीं आता, आता है थोड़ा बहुत काम आता है लेकिन ज्यादा काम नहीं आता। इसी तरह से अदर एक्टिव स्किल कैरेक्टर भी ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन वुकोंग, ओरियन, तत्सुया बहुत ज्यादा काम आता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, मेरा क्वाड्रा है, ठीक ना, क्वाड्रा है लेकिन ग्लोबल पैक है, और मेरा देखिए रैंडम प्लेयर ने क्वाड्रा भी नहीं लेने दिया, तो ऐसा होते रहता है, टेंशन की कोई बात। तो ढेर सारा बकवास के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए कौन सा एक्टिव स्किल कैरेक्टर आपको यूज करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रैंडम प्लेयर के साथ खेलते समय जो फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर यूज करना है वो कौन सा होना चाहिए। ओथो कैरेक्टर, रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए आपको जो फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर यूज करना है वो यूज करना है ओथो कैरेक्टर। ओथो कैरेक्टर यूज करने से क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाला है, चलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। तो ओथो कैरेक्टर का जो सबसे पहला एडवांटेज होता है वो होता है क्या, ये इनिमी को मार्क कर सकता है। जैसे कि इस इनिमी को डाउन किए, इसके आसपास कोई मार्क नहीं लगा, तो मतलब इस इनिमी के 20 मीटर के एरिया में कोई इनिमी नहीं है, इसलिए मार्क नहीं लगा, तो मतलब इजीली हम लोग उसको क्लियर कर लिए। तो ओथो कैरेक्टर यहीं पर बेनिफिट देता है कि ओथो कैरेक्टर आप एक बंदा को डाउन करेंगे तो उसके 20 मीटर के एरिया में जो भी इनिमी रहता है उसका लोकेशन पता चलेगा। जैसे देखिए, इसको डाउन किए, अंदर एक भी इनिमी है उसका लोकेशन हमको पता चल गया। इसके बाद ओथो का एक और एडवांटेज होता है, तो वो एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप इनिमी से फाइट के दौरान आप खुद डाउन हो गए तो भी इनिमी के ऊपर मार्क लग जाएगा, मतलब आपके 20 मीटर के एरिया में जो भी इनिमी है उसके ऊपर मार्क लग जाएगा। जैसा कि लास्ट इनिमी के ऊपर मार्क लग गया तो रैंडम प्लेयर सब दो बचा हुआ है तो आकर के जानता है लास्ट इनिमी है, तो आराम से ग्लू तोड़ रहा है, ग्लू तोड़ करके रैंडम प्लेयर भी इसको मार देगा। तो मतलब इस तरह से आप डाउन भी होंगे तो मतलब अपने रैंडम प्लेयर सबको भी मतलब इनिमी का लोकेशन पता चल जाएगा। इस तरह से ओथो आप जिंदा है तो भी काम आएगा, आप डाउन हो जाएंगे मर जाएंगे तो वहां भी काम आएगा। उसके बाद देखिए, ओथो का मेन जो एडवांटेज होता है कि जब आप एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा से एक साथ फाइट करते हैं तो वहाँ ओथो का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो देखिए, एक को डाउन किए तो मार्क तो लगा ही लगा, साथ में 25% मूवमेंट स्पीड भी कम हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए, मूवमेंट स्पीड कम है, लास्ट बंदा का देखिए आ ही नहीं पा रहा है, देखिए मैं उसको इजिली मार देता हूं। तो मतलब इस तरह से देखिए, एक तो मार्क लगा करके ओथो हमको इनिमी का लोकेशन बताता है, साथ में इनिमी का मूवमेंट स्पीड को 25% कम कर देता है, जिससे इनिमी एकदम स्लो डाउन हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप इजिली 1v2 1v3 सिचुएशन में ओथो का हेल्प से इनिमी को मार सकते हैं। अगर आप नहीं मार पाए, आप खुद डाउन हो गए, तो आपके जो रैंडम प्लेयर सब है, जो फ्रेंड सब है, उनको भी पता चल जाएगा कि इनिमी कहां पर छिपा हुआ है। जैसे कि यहां देखिए, मैंने दो बंदा को डाउन किया, दोनों के ऊपर मार्क लग गया है, तो मतलब मेरा फ्रेंड सब आएगा, आराम से इसको फिनिश कर देगा। तो इस तरह से मतलब हर समय ओथो आपका हेल्प करने वाला है रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए, चाहे आप इनिमी को मारे या इनिमी के हाथ से आप खुद डाउन हो जाए, हर समय ओथो आपका हेल्प करने वाला है। तो रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए ओथो बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए मैंने फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में आपको ओथो कैरेक्टर को यूज करने बताया। इसके
बाद जो सेकंड पैसिव कैरेक्टर यहाँ पर आपको जो यूज करना है वो यूज कर रहा है जस्टिन बीबर कैरेक्टर। जस्टिन बीबर कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, खास तौर पे जब आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हैं तो जस्टिन बीबर और भी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। किस तरह यूजफुल होता है तो मैं आपको समझाता हूं। तो अभी देखिए मेरे पास ईपी नहीं है तो यहां मैं जाता हूं साइबर मशरूम का यूज करता हूं और मेरे को ईपी मिल जाता है। तो ईपी लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, तो जस्टिन बीबर यूज करने के लिए ईपी होना बहुत जरूरी होता है और अभी आप सीएस गेम में बहुत ज्यादा इजीली ईपी ले सकते हैं परचेस करके या फिर साइबर मशरूम से, ठीक है। इसके बाद ईपी रहने के बाद जस्टिन बीबर क्या करता है ना, आपको एक शील्ड देता है, शील्ड देता है जिससे कि इनिमी आपको नहीं मार पाता है। जैसे यहां देखिए इनिमी मार रहा है, देखिए शील्ड ओपन हो रहा है, तो जस्टिन बीबर यही करता है कि ईपी रहता है तो मतलब आपको एक शील्ड देता है जो कि 12% डैमेज को रिड्यूस कर देता है। 12% बोलने का है, ज्यादा ही डैमेज को रिड्यूस कर रहा है जस्टिन बीबर। और इसका जो रैंडम प्लेयर साथ खेलते हुए क्या एडवांटेज होता है, एक तो आपको डिफेंसिव एबिलिटी मिल गया और जो जस्टिन बीबर के आसपास 20 मीटर के एरिया के आसपास जो बंदा रहता है उसको भी मतलब डिफेंसिव एबिलिटी मिल जाता है, उसको भी जस्टिन बीबर का पूरा डिफेंसिव एबिलिटी मिल जाता है। इससे क्या होगा कि आप रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, आप अगर मार रहे हैं इनिमी को, आपके आसपास में कोई फ्रेंड भी है तो उसको भी मतलब जस्टिन बीबर का पावर मिल जाता है। और यहां पर देखिए जस्टिन बीबर के कारण ही मैं क्वाड्रा कर पाता हूं। ये देखिए ये बंदा हमको कितना ज्यादा मारता है, देखिए जस्टिन बीबर का शील्ड बार बार ओपन हो जा रहा था और ये बंदा हमको मार ही नहीं पा रहा था। तो इस तरह से जस्टिन बीबर का रैंडम प्लेयर के साथ यूज करते हुए क्या फायदा होता है, एक तो आपको डिफेंसिव एबिलिटी मिलता है, साथ ही साथ जो आपके 20 मीटर के एरिया, 20 मीटर बहुत ज्यादा होता है, 20 मीटर के एरिया में जो भी रैंडम प्लेयर रहते हैं उसको भी डिफेंसिव एबिलिटी मिल जाता है, सिर्फ उसके पास ईपी होना चाहिए। तो ईपी तो रहता ही रहता है, तो मतलब इस तरह से आपका भी फायदा और रैंडम प्लेयर का भी फायदा। तो इसलिए मैंने बोला सेकंड पैसिव कैरेक्टर में आपको जस्टिन बीबर यूज करना है डिफेंसिव पर्पस से, ठीक ना, आपका भी फायदा होगा रैंडम प्लेयर का भी फायदा होगा, इससे मैच जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो अब तक जो मैंने बताया फर्स्ट स्किल स्लॉट में ओथो कैरेक्टर, सेकंड स्किल स्लॉट में जस्टिन बीबर, ये दोनों ही कैरेक्टर पूरा स्क्वाड को बेनिफिट देगा, जीतने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए। तो इसके बाद बारी आती है थर्ड एंड लास्ट पैसिव कैरेक्टर की। तो यहां पर जो है ना आपको मैं मल्टीपल चॉइस बताऊंगा। तो सबसे पहला चॉइस जो है वो है लूना कैरेक्टर। आप थर्ड पैसिव कैरेक्टर के रूप में जब आप रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हैं तो आप लूना कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो लूना कैरेक्टर भी आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो लूना कैरेक्टर क्या करता है ना, गन का रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देता है। हालांकि लूना कैरेक्टर मूवमेंट स्पीड को भी 15% तक बढ़ाता है, लेकिन मतलब मूवमेंट स्पीड के लिए कोई लूना कैरेक्टर यूज नहीं करता है, रेट ऑफ फायर के लिए यूज करता है। तो लूना कैरेक्टर का रेट ऑफ फायर बढ़ाने से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो यहां देखिए जब मैं इधर से भाग के जाता हूं तो ये देखिए पहला इनिमी मिलता है, तो यहां पर जस्टिन बीबर और लूना दोनों मिलके इस इनिमी को मारने में हेल्प करता है। लूना गन का रेट ऑफ फायर बढ़ाया तो मैंने इजीली इनिमी को मार दिया। उसके बाद देखिए थोड़ा मैं आगे आता हूं और इनिमी से हमको बहुत ज्यादा डैमेज दिया, तो यहां पर मैं बैठा हुआ था वो जैसे कुत्ता है इनिमी उसको मार देता हूं। उसके बाद देखिए यहां पर रेट ऑफ फायर का काम आता है, या देखिए ये इनिमी बार बार कूद कूद के मार रहा है और मेरा बॉडी शॉट लग रहा है और मैं इसको मारता जा रहा हूं। तो यहां गन का रेट ऑफ फायर ज्यादा है तो इजीली मैंने बॉडी शॉट में इनिमी को मार दिया। और लास्ट बंदा को भी देखिए रेट ऑफ फायर के कारण क्या होता है ना, थोड़ा ड्रैग हेडशॉट ज्यादा लगता है और लास्ट बंदा को मैंने मार करके क्वाड्रा कर लिया। तो इस तरह से लूना जो गन का रेट ऑफ फायर बढ़ाता है, इससे बहुत जगह पे बहुत तरीका से हेल्प हो जाता है। तो जब भी आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हैं तो ज्यादातर टाइम ऐसा होता है जब आपको 1v2, 1v3 या 1v4 मारना पड़ सकता है, ठीक ना, तो वहां पर भी मतलब लूना कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि गन का रेट ऑफ फायर बढ़ा है तो आप जल्दी जल्दी इनिमी को मार सकते हैं, ज्यादा जल्दी जल्दी मतलब गन छोड़ेगा गोली तो आप जल्दी जल्दी इनिमी को मार सकते हैं। इस तरह से जब 1v2, 1v3 सिचुएशन होगा तो वहां भी लूना कैरेक्टर हेल्प करेगा और सब कैरेक्टर, ओथो भी हेल्प करेगा, जस्टिन बीबर भी हेल्प करेगा, लेकिन लूना कैरेक्टर ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि ये गन का रेट ऑफ फायर बढ़ाएगा। इस तरह से आप इनिमी को इजीली मार पाए। इसके बाद देखिए थर्ड स्किल में मैंने मल्टीपल चॉइस की बात की थी, क्यों की थी, तो यहां पर आप समझिए अगर आप एक्टिव स्किल कैरेक्टर में ओरियन कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो आपको थर्ड स्किल स्लॉट में मतलब मिगवेल कैरेक्टर यूज करना होगा। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया थर्ड स्किल स्लॉट में मतलब मल्टीपल चॉइस होने वाला है, मिगवेल यूज करना पड़ेगा जब आप ओरियन यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल चॉइस हो गया। इसके अलावा भी देखिए जैसे कि मतलब ओथो कैरेक्टर हो गया और जस्टिन बीबर कैरेक्टर हो गया, दोनों हो गया क्या रैंडम प्लेयर के हर बंदा को बेनिफिट देगा ये दोनों कैरेक्टर, लेकिन मतलब लूना कैरेक्टर ऐसा नहीं है, वो आपको पर्सनल बेनिफिट देगा। तो इसलिए लूना के जगह आप अदर कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका पर्सनल फेवरेट है। बहुत बंदा हयातो से खेलता है तो वो पर्सनल फेवरेट हो गया या एंड्रो हो गया, मतलब जो आपका पर्सनल फेवरेट है उसको आप लास्ट स्किल स्लॉट में यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा वो होगा लूना कैरेक्टर क्योंकि लूना रेट ऑफ फायर बढ़ाएगा, हर सिचुएशन में आपका हेल्प करेगा। तो हमारा जो फाइनल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो गया वहां पर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर कौन सा लेना है मैंने बता दिया। इसके बाद फर्स्ट स्किल स्लॉट में ओथो कैरेक्टर, सेकंड स्किल स्लॉट में जस्टिन बीबर कैरेक्टर और थर्ड और लास्ट स्किल स्लॉट में आपको थोड़ा मल्टीपल चॉइस मैंने बताया, लेकिन लूना कैरेक्टर सबसे बेस्ट होने वाला है। तो ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है इसको लेकर के आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलिए तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। मैंने एडवांटेज को भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर जरूर कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।